हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। दिस इज प्रेरणा सिन्हा। तो बेसिकली इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस चार्ल्स लैम। यानी चार्ल्स लैम के हम लोग आज ही की क्लास में उनके सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। एंड या देयर इज अ ह्यूज डिस्काउंट फॉर यू ऑल। यानी अगर आप इस कोर्स में अभी इनरोलमेंट करवाते हैं, यानी 25 से लेकर के 27 तक, ठीक है, इनरोलमेंट करवाते हैं, देन यू विल हैव टू पे ओनली 1800 रुपीज़। एंड अगर आप 28 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक इनरोलमेंट करवाते हैं, देन यू विल हैव टू पे 2000 रुपीज़। एंड अगर आप 3 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक इनरोलमेंट करवाते हैं, देन यू हैव टू पे ओनली 2200 रुपीज़। राइट, सो फॉर एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस गिवन नंबर। यानी ये वाला नंबर जो है ये ऑफिस का नंबर है, एंड यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर। राइट राइट, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर। सो बेसिकली आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ल्स लैम से, एंड उनके फ्यू क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। एंड या आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं आज की क्लास में चार्ल्स लैम को पूरी कंप्लीट कर दूं। राइट, सो चार्ल्स लैम, ही इज एन एसेस्ट, क्रिटिक, पोएट एंड अ प्ले राइट। ये तीनों ही थे चार्ल्स लैम, एसेस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, पोएट भी थे एंड प्ले राइट भी थे, ठीक है। अचीव लास्टिंग फेम एज अ राइटर ड्यूरिंग द ईयर्स 1820 टू 1825। इनका फेम कब था, यानी 1820 से लेकर के 1825 के बीच में इन्होंने बहुत ही ज्यादा फेम गैदर किया, बहुत ज्यादा नाम कमाया आप कह सकते हैं। व्हेन ही कैप्टिवेटेड द डिसिप्लिनरी इंग्लैंड रीडिंग पब्लिक विथ हिज पर्सनल एसेज इन लंडन मैगजीन। इनके एसेज आते थे, ठीक है ना, इनके पर्सनल एसेज आते थे। एंड कौन सी मैगजीन में आते थे, तो इनके एसेज आते थे लंडन मैगजीन में, क्लियर, कलेक्टेड एज एसेज ऑफ एलिया, ठीक है, किस नेम से आते थे, एसेज ऑफ एलिया, ठीक है। एंड एंड ये कब आया था, तो ये आया था 1823 में। एंड लास्ट एसे ऑफ एलिया ये आया था 1833 में। नोन फॉर देयर चार्म ह्यूमर, एंड एसेज ऑफ एलिया को किस लिए जाना जाता था, फॉर इट्स चार्म, फॉर इट्स ह्यूमर एंड परसेप्शन, ठीक है ना। एंड लेस विद आइडियस ट्रेसीज दिस एसेज अपीयर टू बी मॉडेस्ट इन स्कोप, ठीक है ना। तो ये एसेज ना इस इनके स्कोप के कारण जाने जाते थे, इनके ह्यूमर के कारण जाने जाते थे, इनके चार्म के कारण जाने जाते थे, ठीक है। बट देयर सराउंडिंग्स आर डीप एंड देयर रिपल्स एक्सटेंड टू इम्प्रेस मच ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन इसके जो सराउंडिंग्स थे ना, मतलब एसेज को लिखा जब जाता था तो ये बहुत ही डीपली, बहुत डीप इसका मीनिंग रहता था, ठीक है ना, इट्स राइट। सो ये क्या है, पर्टिकुलर इज द लाइफ ऑफ द इमेजिनेशन, राइट। So, but their surroundings are deep and their ripples extend to embrace much of human life, particularly the life of imagination. Human life से भी ये deal होता था, but proper human life नहीं, much of imagination. Imagination ज़्यादा इसमें use होता था, right? So, this is all about Charles Dickens, and yeah, we'll just do some questions. And yeah, आज की class में Charles Lamb को हम just complete करने वाले हैं. So, just wait and watch this class, ठीक है ना, बहुत ही जस्ट सीरियस होकर के इस वीडियोज को देखो आप सब। एंड देन क्योंकि हमने वो 10-10 वाली सीरीज रखी थी, बट उसमें क्या होता है ना कि फिर इंटरेस्ट लैक करने लगता है लोगों से, राइट। सो हमने वर्ड्सवर्थ ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, हमने कॉलरिज कंप्लीट किया, शेली, कीस एंड लैम। आज क्लास में अगर हम लैम कंप्लीट करेंगे तो फिर हमारे पास हेजलिट, थैकरे, इनके कुछ ज्यादा ही ज्यादा एमसीक्यूज नहीं रहेंगे, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स आर वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, कीट्स, लैम, डिकन्स, टेनिसन, ब्राउनिंग, आर्नल्ड, इलिट, ठीक है। एंड या इस तरह के हम सारे चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम रोट हिज एसेज अंडर द पेन नेम। चार्ल्स लैम एसेज लिखते थे एंड किस नाम से लिखते थे, अभी मैंने बताया कि वो एसेज लिखते थे एंड किस नाम से लिखते थे, तो ही रूट हिज एसे अंडर द पेन नेम एलिया, ठीक है ना, ELIA। यहाँ पे आप स्पेलिंग देख लो, दैट इज ELIA, स्पेलिंग पे जाइएगा, ठीक है ना, स्पेलिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, बिकॉज ऑप्शन में देखिए ELLIA भी लिखा हुआ है, तो वहां पे नहीं जाना है, नेम है ELIA, दैट इज एसेज ऑफ एलिया, राइट। हु वाज एलिया हुज नेम लैम पब्लिश्ड हिज एसे, तो एलिया कौन थी, एलिया
वो उसके नाम पे चार्ल्स लैम एसेज को अपने पब्लिश करते थे. देन डू यू हैव एनी आइडिया कि हु वाज एलिया? सो एलिया वाज ना लैम्स कलीग वर्किंग विथ हिम इन द ईस्ट इंडिया हाउस. तो ये ना एलिया जो थी ना, शी वाज चार्ल्स लैम की वो कलीग थी, ठीक है, एंड उनके साथ वो कहाँ काम करती थी? तो वो ईस्ट इंडिया हाउस में चार्ल्स लैम के साथ काम करती थी, यानी ऑप्शन नंबर ए. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है, वेयर वॉज लैम्ब एसे फर्स्ट पब्लिश सीरियली. मैंने अभी ही बताया आप लोगों को कि लैम्ब तो थे चार्ल्स लैम्ब, वो अपने एसेज को लंडन मैगजीन में पब्लिश कराते थे. तो ऑप्शन सिंपल सा होगा कि एसेज लंडन मैगजीन में पब्लिश होती थी. क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज अभी जो मैंने बताया सेम वहां से सारे क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो रहे हैं. क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है, लैम्ब सफर्ड फ्रॉम अ हेरिडिटरी डिजीज फॉर सम टाइम, व्हाट इज दैट डिजीज? अब आपको बता दूं कि चार्ल्स लैम्ब की एक सिस्टर भी थी जिसका नाम मैरी था, ठीक है, एंड वो थोड़ा बहुत उसे भी कुछ मैडनेस टाइप डिजीज था, ठीक है. सेम गोज विद चार्ल्स लैम्ब, उन्हें भी बीमारी थी, हेरिडिटरी डिजीज थी फॉर सम टाइम्स. तो वो क्या था डिजीज? वो डिजीज था अ स्ट्रीक ऑफ मैडनेस, यानी पागलपन का डिजीज था, ठीक है, इनसेन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना. सो लैम्ब जस्ट सफर्ड फ्रॉम अ स्ट्रीक ऑफ मैडनेस फॉर सम टाइम, ठीक है ना, कुछ ही टाइम के लिए, ठीक है, वो डिजीज था अ स्ट्रीक ऑफ मैडनेस. आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, लैम स्टार्टेड हिज करियर एज, अब मैंने क्या बताया कि लैम कहाँ काम करते थे, वो एलिया के साथ कहाँ काम करते थे, ईस्ट इंडिया हाउस में. तो सिंपल सा हमें जाना है कि वो एक क्लर्क थे इन ईस्ट इंडिया हाउस, ठीक है. तो आंसर होगा चार्ल्स लैम स्टार्टेड हिज करियर एज अ क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस. क्लियर है? यहां से सब कुछ आप सब, आई होप कि आप सब इस आंसर्स को क्लियर कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं. क्लियर है? राइट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लैम्ब डिड नॉट मैरी. अब मैंने बताया कि चार्ल्स लैम्ब की एक सिस्टर थी जो पागल थी, तो चार्ल्स लैम्ब ने ना कसम खाई थी कि मैं इसकी देखभाल करूंगा, पूरी लाइफ इसकी देखभाल करूंगा, मैं इसे एक मेंटल असाइलम नहीं भेजूंगा, ये मेरी सिस्टर है एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, ठीक है. सो दैट्स व्हाई लैम डिड नॉट मैरी, बिकॉज ही हैड टू मेंटेन हिज मैड सिस्टर. क्लियर है? सो यह ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर सेम, ठीक है ना. सो दोनों ही होगा, ठीक है, बोथ, राइट, बोथ, ठीक है, राइट, बिकॉज उनकी सिस्टर, एंड आपको पता है कि इनकी जो सिस्टर थी ये पता मैड क्यों हुई थी, काम के प्रेशर के कारण, इतना काम काम था इनका कि काम के प्रेशर के कारण मैड हुई थी और अपनी मदर को इन्होंने मार दिया था. एंड चार्ल्स लैम एंड इसने जो अपनी माँ को मारा, यानी चार्ल्स लैम की सिस्टर ने जब उनकी मदर का मर्डर किया, देन उनके बाद ना चार्ल्स लैम की लाइफ प्रॉपर पूरी तरह से ही बदल गई, ठीक है. यहाँ पे याद रखिएगा कि इनकी लाइफ ना उनके मदर के डेथ के बाद कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है, राइट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है, हाउ डिड लैम्स मदर डाई? अब मैंने बताया जस्ट अभी, तो लैम्ब की मदर कैसे मरी थी, तो शी वॉज किल्ड बाय लैम्स मैड सिस्टर, ठीक है, लैम्ब की मैड सिस्टर के कारण चाकू से मार दिया था उनके सिस्टर ने अपनी ही माँ को, पागल थी, पागल लोगों को कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है ना. सो आई एम जस्ट जोकिंग अपार्ट, ठीक है, दैट्स नॉट, हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए, बट या शी वॉज किल्ड बाय हर डॉटर, हर मैड डॉटर, ठीक है. Lamb loved a woman whom, however, he could not marry. What is her name? Charles Lamb की लाइफ में एक लेडी थी, उनसे बहुत पसंद करते थे, बट उन्होंने शादी नहीं कर सकी उनसे, क्योंकि उसे अपनी बहन को देखना था. तो what was her name? Elia नहीं, Elia तो कलीग थी ना, Elia नहीं, it's Anne Simmons. Name है Anne Simmons, यानी option number A, that is Anne Simmons. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है, इन विच एसे डज लैम मेक एन इनडायरेक्ट अल्यूजन टू हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव. अब लव लाइफ उनका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, वो जैसे पसंद करते थे वो उनसे शादी नहीं कर सके, तो अपने फ्रस्ट्रेशन को तो कहीं ना कहीं लोग निकालेंगे ही. राइटर थे, एसेस थे, तो ऑब्वियस बात है उनके वर्क्स में हमें उन सारी चीजों को, चीजें देखने को मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल जॉन मिल्टन अंधे थे ना वो, तो वो अपने थॉट्स को अपने पोएम में डालते थे कि जो सिर्फ खड़े रहते हैं वो भी भगवान को सर्व करते हैं, ठीक है. वो उनके थॉट्स थे कि मैं अंधा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, बट या मैं भी तो, मैं खड़ा ही हूं, तो मैं, मेरे लिए भी कभी ना कभी भगवान मेरी मदद करेंगे. सेम गोज विद कि
पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, ये अपने फ्रस्ट्रेशन को कहाँ निकालेंगे, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने खुशी के पल, राइट ना, ये लोग कहाँ निकालेंगे, सो अपने वर्क्स में ही डाला करते थे. तो सेम गोज विद चार्ल्स लैम, वो अपने लव लाइफ की जस्ट फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने अपने एक वर्क दैट इज ड्रीम चिल्ड्रेन में डाला था, ठीक है. अपने फ्रस्ट्रेशन को, लव फ्रस्ट्रेशन इन लव लाइफ को वो उन्होंने जस्ट अपने एक वर्क ड्रीम चिल्ड्रेन में डाला था. क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज हु कॉल्ड लैम जेंटल हार्टेड चार्ल्स. अब चार्ल्स लैम दिल के बहुत साफ थे, ठीक है ना, दिल के बहुत ज्यादा साफ थे, तो किस राइटर ने उन्हें जेंटल हार्टेड चार्ल्स नेम से डिनोट किया था या फिर कहा था? क्या वो ले हंट थे, क्या वो डिक क्विंसी थे, या फिर हेजलिट थे, या फिर वो कॉलरिज थे? डू यू हैव एनी आइडिया कि हु हैड जस्ट जस्ट कॉल्ड चार्ल्स लैम जेंटल हार्टेड चार्ल्स? सो इट वॉज कॉलरिज, यानी एस टी कॉलरिज ने चार्ल्स लैम को जेंटल हार्टेड चार्ल्स कहा था, यानी एस टी कॉलरिज. क्लियर है? राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, इट इज द मैन चार्ल्स लैम द कंस्टिट्यूट द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ल्ड, हु सेज दिस? ये लाइंस जो है, इट इज द मैन चार्ल्स लैम द कंस्टिट्यूट द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड्स, दीज लाइन्स आर सेट बाई हु? किस राइटर ने ये लाइन्स कही हैं फॉर चार्ल्स लैम? डू यू हैव एनी आइडिया? सो दीज लाइन्स आर सेट बाय सेंसबरी. एक राइटर है जिनका नाम है सेंसबरी, उन्होंने ये सारी चीजें कही थी. क्लियर है? राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, हु कॉल्ड लैम वन ऑफ द बेस्ट बिलवड ऑफ इंग्लिश ऑथर? एज वी नो दैट चार्ल्स लैम इज नोन एज वन ऑफ द बेस्टेस्ट और ऑथर, उनके वर्क्स हमारे सिलेबस में भी हमें पढ़ना है चार्ल्स लैम को, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द एमसीक्यूज ऑफ चार्ल्स लैम. सो किस राइटर ने चार्ल्स लैम को वन ऑफ द मोस्ट बिलवड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स कहा है? ठीक है, सो इट वॉज डब्ल्यू एच हडसन, जिन्होंने चार्ल्स लैम को वन ऑफ द मोस्ट बिलवड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स कहा है, ठीक है, यानी डब्ल्यू एच हुडसन. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे ऑफ लैम इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल? अब जितने भी राइटर्स हैं, सारे राइटर्स को ऑटोबायोग्राफिकल वर्क आ ही जाता है, ठीक है ना. सो इनमें से कौन सा ऐसे है जो चार्ल्स लैम का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहलाता है? क्या वो ओल्ड चाइना है, या फिर वो इनपरफेक्ट सिंपैथीज है, एंड क्या वो बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन? सो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा, चार्ल्स लैम ने शादी नहीं की थी तो वो बैचलर थे, एंड दैट इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ चार्ल्स लैम, बिकॉज उन्होंने इस वर्क में अपने लाइफ के कुछ कुछ यादों को एंड कुछ कुछ थिंग्स को, ठीक है ना, इंसिडेंट्स को बेसिकली डाला है. एंड द आंसर इज, एक ऐसे है चार्ल्स लैम का, एंड इट्स द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे, एंड दैट इज बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन. क्लियर है? राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे ऑफ लैम इज मोस्ट पैथेटिक? मोस्ट पैथेटिक एसे कौन सा है चार्ल्स लैम को? डू यू हैव एनी आइडिया? जिस एसे में उन्होंने अपने लाइफ लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को डाला है, एंड दैट्स द मोस्ट पैथेटिक वर्क ऑफ चार्ल्स लैम, दैट इज ड्रीम चिल्ड्रन. ठीक है, ऑब्वियस बात है, लव लाइफ के बारे में फ्रस्ट्रेशन निकाला है, तो ऑब्वियस बात है वो थोड़ा सा अजीब तो रहेगा ही. क्लियर है ना? तो यहाँ से हम जा सकते हैं कि आंसर होगा ड्रीम चिल्ड्रन. ठीक है, राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी, वी नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल. तो ये लाइंस कौन से वर्क में अकर होती हैं बाय चार्ल्स लैम? क्या वो ओल्ड एंड द न्यू स्कूल, सॉरी, राइट, मेरे जो टाइपिस्ट हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, छूट जाता है, दैट्स ह्यूमन है, मशीन तो नहीं है, गलती तो होगी, राइट ना. सो राइट, सो वी आर नॉट एलिस नॉर ऑफ दी नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल. सो ये लाइन्स अकर होती हैं ड्रीम चिल्ड्रन में, ठीक है ना. सो ये लाइन्स अकर होती हैं ड्रीम चिल्ड्रन में. सो वेट अ सेक, या वेट अ सेक, सो नो, इस क्वेश्चन का आंसर ना यहाँ पे सेंसबरी नहीं होगा, ठीक है ना. आप जस्ट एक बार जस्ट I'm just, मुझे रिमेंबर हो रहा है कि इट्स द मैन चार्ल्स लैम द कंस्टिट्यूट द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड्स, हु सेज दिस? सो इट वाज नॉट सेंसबरी, इट वाज कैनन एंगर. ठीक है, इट वाज कैनन एंगर.
ठीक है ना, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मुझे अभी जस्ट याद आया कि मैंने आपको गलत आंसर बता दिया है, सो जस्ट सॉरी फॉर द मिस्टेक, राइट। सो आंसर होगा कैनन एंगल, आप जस्ट करेक्ट कर लो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। सो बिकॉज आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू एडिट दिस वीडियो, मैंने जैसे वीडियो बनाई है एक टेक में, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस थिंग्स ऑन अ सिंगल टेक, राइट ना, बिकॉज एडिट करने में ना हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो मैंने सोचा कि नहीं, एक वैसे मैं एक टेक में वीडियो बनाती हूँ, राइट ना। सो जस्ट इसे सही कर लो आप लोग, ये लाइंस, दैट इज, इट्स द मैन चार्ल्स लैम द कंस्टिट्यूज द चार्म ऑफ हिज रिटर्न वर्ड्स, दीज लाइंस आर सेड बाय कैनन एंगर, ठीक है, करेक्ट कर लो, सेंस मेरी नहीं होगा, इट्स कैनन एंगर, क्लियर है, राइट। आते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन में, या ठीक है, राइट। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, ये इसका आंसर क्या होगा, अ क्लोज रिलेटिव ऑफ लैम, या फिर लैम कलीग इन ईस्ट इंडिया हाउस, या फिर द मैन हु मैरिड द वुमन हुम लैम लव। अब ये लाइंस किस लिए हैं, क्योंकि चार्ल्स लैम एंड सिमोन से प्यार करते थे एंड फिर उनसे शादी नहीं हो सकी, एंड दिस लाइंस आर फॉर दैट मैन जिसने उस वुमेन से शादी की जिसे लैम पसंद करते थे, दैट इज द मैन हु मैरिड द वुमेन हुम लैम बिलव, या फिर लव, क्लियर है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लैम वंस सेड आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसे, वट डज इट मीन्स। चार्ल्स लैम ने, एक बार मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब चार्ल्स लैम की मदर का डेथ हुआ था तो उन्होंने सोचा कि आई एम जस्ट क्विटिंग दिस, मैं अब ऑथर का काम नहीं करूंगा, आई एम जस्ट, बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी मदर के डेथ के बाद, बिकॉज उनकी सिस्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ल्स लैम में आ गई थी, ठीक है ना, सो राइट, दैट्स द अदर थिंग। तो चार्ल्स लैम एक बार उन्होंने कहा है, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसे, वट डज इट मीन, इट मीन्स दैट हिज एसेज आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। अगर आप चार्ल्स लैम के एसेज को देखोगे तो बहुत हद तक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये, ठीक है। सो इसीलिए चार्ल्स लैम ने ये कहा है, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसे, सो इट मीन्स दैट हिज एसेज आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल, क्लियर है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज, इट इज सेड दैट लैम स्माइल्ड विद वन आई एंड वेप इट द अदर, व्हाट डज इट मीन। अब कहा जाता है कि एक आंख से चार्ल्स लैम हंसते थे एंड एक आंख से वो दुखी रहते थे, एंड इसका इसका मतलब क्या है, मतलब इट्स इम्पॉसिबल ना कि कोई इंसान एक आंख से अपनी खुशी व्यक्त करता है एंड दूसरे आई से वो अपने दुखों को व्यक्त करता है, एंड दैट्स इम्पॉसिबल, बट इट्स अ थियोरी, एक थियोरी है। तो व्हाट डज दिस मीन, इससे इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट देयर वॉज अ ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन हिज एसेज, यानी अगर आप चार्ल्स लैम्प की एसेज को आप देखोगे तो उस एसेज में आपको ह्यूमर तो मिलेगा ही, साथ में साथ कुछ फैक्ट्स एंड कुछ सैड थिंग्स भी मिलेंगे, ठीक है ना, उनके एसेज दे आर द कलेक्शन ऑफ ह्यूमर, ठीक है, एंड पैथोस एंड एवरीथिंग, ठीक है, यानी खुशी एंड गम बोथ आर मिक्स्ड इन चार्ल्स लैम्प्स एसे, क्लियर, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, लैम्स मेमोरी विल रिटेन इट्स फ्रेग्रेंस एज लॉन्ग एज द बेस्ट स्पाइस एक्सपेंडेड ऑन द थर्होस हु सेड दिस। अब ये लाइंस किसने कही, दैट इज, लैम्स मेमोरी विल रिटेन इट्स फ्रेग्रेंस एज लॉन्ग एज द बेस्ट स्पाइस एक्सपेंडेड ऑन द थर्होस। तो दीज लाइंस आर सेड बाय रॉबर्ट साउदी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट एंड लेक पोएट भी है, विलियम वॉर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी एंड एस टी कॉलरिज, दे आर जस्ट कॉल्ड लेक पोएट, क्लियर ना। सो इन्होंने चार्ल्स लैम के बारे में कहा था, दैट इज, चार्ल्स लैम्स मेमोरी विल रिटेन इट्स फ्रेग्रेंस एज लॉन्ग एज द बेस्ट स्पाइस एक्सपेंडेड ऑन द फेरहाउस हु, ठीक है, सिंपल सा हु से, तो रॉबर्ट साउदी ने ये कहा है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज लैम्स जॉन वुड विल, तो चार्ल्स लैम का एक प्ले है जॉन वुड, इट्स जॉन वुड विले, तो इट्स ये क्या है, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या ये प्ले है, क्या वो ड्रामा है, क्या ये ट्रेजिक प्ले है। सो इट्स अ ट्रेजिक प्ले, अगर हमारे क्वेश्चन में आएगा कि चार्ल्स लैम का एक वर्क बताइए जो एक ट्रेजिडी है या फिर एक ट्रेजिक प्ले, द आंसर विल बी जॉन वुड विले, क्लियर है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है, चार्ल्स लैम रोड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन कोलेबोरेशन विथ, अब चार्ल्स लैम ने एक एसे लिखा एंड किन के साथ मिल करके लिखा,
उस ऐसे को चार्ल्स लैम ने किनके साथ मिलकर लिखा? दैट इज चार्ल्स लो लैम रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन कोलैबोरेशन विद मैरी लैम। मैरी लैम पता है ना कौन थी? इनकी सिस्टर जो पागल थी, जिन्होंने अपनी मदर को चाकू से मार दिया था। शी इज मैरी लैम, ठीक है ना। वर्क के कारण इनका दिमाग थोड़ा सा सनक गया, आप कह सकते हो, ठीक है। एंड शी इज राइटर भी थी, ये काफी एक अच्छी राइटर थी, बट अपने जस्ट पागलपन के कारण ये उतना ग्रो नहीं कर पाई जितना चार्ल्स लैम ग्रो किए, ठीक है। सो चार्ल्स लैम ने इनके साथ मिल करके टेल लिखा था फ्रॉम शेक्सपियर इन कोलेबोरेशन विद मैरी लैम, जो कि इनकी सिस्टर थी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्लियर। चार्ल्स लैम इज बेस्ट नोन फॉर हिज। अब चार्ल्स लैम को हम क्यों जानते हैं एंड चार्ल्स लैम किस लिए फेमस है? डू यू हैव एनी आइडिया कि चार्ल्स लैम किस लिए फेमस है? सो चार्ल्स लैम फेमस है एसेज ऑफ इलिया के लिए। ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है, दैट इज एसेज ऑफ इलिया, ठीक है। यहाँ पे आप जस्ट याद रखना कि चार्ल्स लैम ही इज जस्ट फेमस फॉर हिज एसेज ऑफ इलिया, क्लियर है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट इज लैम्स प्रिंस डोरस। अब लैम का एक वर्क है, दैट इज नाम है प्रिंस डोरस। तो ये क्या है? क्या ये एक टेल है या फिर एक कॉमेडी है या फिर ये एक फेयरी टेल इन वर्स है? सो द आंसर इज प्रिंस डोरस इज अ फेयरी टेल इन वर्स। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट्स अ फेयरी टेल इन वर्स, क्लियर है, राइट। आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज रिटन बाय लैम, विच वन, ठीक है। अब इनमें से कुछ एसेज दिए हुए हैं तो जिसे चार्ल्स लैम ने लिखा है, डू यू हैव एनी आइडिया कि इन एसेज को, अब इनमें से कौन से एसेज को चार्ल्स लैम ने लिखा है? सो इनमें से क्या वो इंडियन जगलर्स लिखा था उन्होंने, या फिर ऑन सेइंग प्लीज, या फिर द इंग्लिश मेल कोच, या फिर क्राइस्ट हॉस्पिटल? सो द आंसर इज क्राइस्ट हॉस्पिटल, ठीक है ना। इन्होंने ही लिखा है, चार्ल्स लैम ने लिखा है क्राइस्ट हॉस्पिटल, एसेज ऑफ इलिया, क्राइस्ट हॉस्पिटल। दीज आर द फेमस वर्क्स बाय चार्ल्स लैम एंड या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। सो एवरीवन, हमने आज चार्ल्स लैम को प्रॉपर कंप्लीट कर लिया, यानी हमने आज 24 क्वेश्चंस को किया है चार्ल्स लैम का, एंड थोड़ा बहुत हमने चार्ल्स लैम के बारे में जाना, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में ना, वी विल जस्ट कवर द रेस्ट ऑफ द राइटर्स, जो भी राइटर्स बचे हुए हैं, ठीक है। एंड आई विल जस्ट होप कि मैं ना जल्दी ही सारी चीजों को कंप्लीट कर दूं, ताकि फिर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो एंड आपको कोर्स सही टाइम से पूरा हो सके, ठीक है ना। एंड कोर्स में भी मैं थोड़ा बहुत जल्दी कर रही हूँ। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल जस्ट मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए जस्ट बाय एवरीवन।